बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ बिजी स्केड्यूल की वजह से मुझे कुकिंग का टाइम नहीं मिल रहा, सो आई एम शेयरिंग वन ऑफ माय ओल्ड रेसिपी। उनकी मैं अपनी एक ओल्ड सी रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ फ्रॉम माय फेसबुक पेज विच इज़ मैप्स कुकिंग मैनिया। आप वहाँ पे जाके वहाँ पे मेरी रेसिपीज़ को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मेरी जो ये मेरी रेसिपी है वो बगैर वॉइस की है। YouTube पेज पे मैं अपनी वॉइस के साथ एडिट करके वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक दो टिप्स एंड ट्रिक्स का आप लोगों ने ख्याल रखना होगा। जो मिल्क पाउडर मैं यूज़ करता हूँ फॉर गुलाब जामुन, दैट इज़ नीडो, उसका रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी बेस्ट आता है फॉर गुलाब जामुन। और आप अपनी तो माशाल्लाह से बेहतरीन से हमारे गुलाब जामुन रेडी है, बन के तैयार है, और बनाना भी बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप की तरफ हम आ जाते हैं। यहाँ पे चाशनी यानी शुगर सिरप के लिए मैंने 2 कप पानी में 1¼ कप के करीब जो है वो चीनी ऐड कर ली है। ठीक है जी, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे तकरीबन 1 चुटकी के करीब मैं येलो फूड कलर शामिल करने जा रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे 1-2 टेबल स्पून के करीब मैं लेमन जूस ऐड करने जा रहा हूँ। इससे जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होगा वो स्टॉप हो जाएगा। डो की तरफ आ जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूँ 1 कप के करीब है जी ये मिल्क पाउडर है जी। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने लिया है मैदा, सादा मैदा है प्लेन, और 1/2 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ बेकिंग पाउडर। मेल्टेड बटर है ये मेरे साथ तकरीबन 2-3 टेबल स्पून के आसपास, और उसी के साथ मैं यहाँ पे एक लार्ज साइज़ का अंडा लेने जा रहा हूँ। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाना है, बिल्कुल बेहतरीन सा सॉफ्ट सा डो बनाना है, लेकिन हमने अपनी डो को हद से ज़्यादा नहीं गूंदना। ये बात आपने जो है वो ध्यान में रखते हुए इस डो को गूंदना है। हद से ज़्यादा गूंदेंगे तो हमारे जो गुलाब जामुन हैं वो बिल्कुल सख्त बनेंगे और शीरे में जाने के बाद वो अंदर से बिल्कुल टूट जाएंगे। ठीक है जी, तो इस बात का आप लोगों ने हद से ज़्यादा ख्याल करना है। यहाँ पे बेहतरीन सा हमारा डो बन के जो है वो गूंद चुका है। इसी से बेहतरीन से राउंड मीडियम साइज़ के जो है वो बॉल्स बना लेने हैं। आपको जिस साइज़ के चाहिए हो उसके बना लीजिएगा। साथ ही साथ हमने यहाँ पे फ्लेम पे जो है वो ऑयल को रख दिया है। हमने ठंडे ऑयल में जो है वो अपने बॉल्स को ऐड करते जाना है, ज़्यादा गर्म में शामिल नहीं करना अपने बॉल्स को। अगर हम ज़्यादा गर्म में शामिल करेंगे तो जल्दी से जो हमारे बॉल्स है वो तो ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे होंगे। ठीक है जी, तो ठंडे ऑयल में हमने डालना है। तो शुरू में हमारे जो गुलाब जामुन के बॉल्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू जो टेम्परेचर है ऑयल का उसी के साथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कुक होते जाएंगे। शुरू में ये नीचे इस सतह में होंगे, लेकिन जैसे जैसे ये कुक होने के करीब आते जाएंगे तो ये ऑयल की सतह पर आ जाएंगे जो गुलाब जामुन है, और उसी के बाद हमने इसको चेड़ना है। इससे पहले हमने इसको मूव नहीं करना, कोई चमचा वगैरह नहीं चलाना। जैसे जैसे आपको नज़र आ रहा होगा जैसे ही ऑयल की सतह पर ये पहुँच जाए इट मीन्स कि हमारे गुलाब जामुन जो है वो पकने के सही सिमत में जो है वो जा रहे हैं। और जैसे जैसे हमारे गुलाब जामुन ब्राउन होते जाएं, ठीक है जी, उसी के साथ हमने इसको शीरे में जो शुगर सिरप हमारा बन चुका था उसी में शामिल करते जाना है। और तमाम गुलाब जामुन को हमने सिर्फ 10 मिनट तक जो है वो शीरे में रखना है। ठीक है जी, और तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद हमने जो है वो इसको आप शीरे के समेत भी सर्व कर सकते हैं, ठंडा गर्म आपकी मर्ज़ी, फ्रिज में ठंडा करके भी इसको सर्व कर सकते हैं और गर्म भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये था बहुत ही बेहतरीन सा, इजी सा, एक आसान सा तरीका मिल्क पाउडर से बनाने का। बहुत से तरीके हैं गुलाब जामुन को बनाने के। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये रेसिपी समझ भी आ चुकी होगी और पसंद भी आ चुकी होगी। गुलाब जामुन आप कोई से भी बना सकते हैं, रिगार्डिंग फ्रॉम ब्रेड गुलाब जामुन आप उससे भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आई होप सो कि आपको ये रेसिपी पसंद आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।